Hey guys, तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर, जो कि हमारा क्लास 11th का कौन सा चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर है। ठीक है, तो देखो, अगर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात हो रही है तो हमें स्टेट्स का तो पता होना चाहिए ना। मैटर होता क्या है, सबसे पहली बात, जितनी भी चीजें हमारे आसपास होती है ना, सब मैटर ही तो होती है। जैसे कि अगर मेरे पास में चौक है, ये क्या है, मैटर है। आपके पास में ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ये भी मैटर है। अब देखो, मैटर होता क्या है असलियत में। मैटर की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी पड़े तो एनीथिंग, कोई भी चीज जो क्या करे, आपके पास में किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करे और जिसकी क्या हो, वॉल्यूम हो और मास हो। ठीक है, देखो, अब जैसे मैं बात करूं चौक की या डस्टर की या फिर ब्लैक बोर्ड की, तो यहां तो हमें पता है कि भाई दिखाई दे रहे हैं कि इनका मास भी है और इनकी वॉल्यूम भी है। मास का किससे मतलब है, आपका वेट से, एक तरीके से। ठीक है, तो इनकी मास भी है और इन्हें वॉल्यूम भी हमें दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं गैसेस की, जैसे कि ऑक्सीजन गैस होगी या फिर नाइट्रोजन गैस होगी, अब आप बोलोगे ये तो हमें दिखाई दे ही नहीं रहे, तो ये मैटर कैसे हैं आपके पास में, तो ये भी क्या है, मैटर है। गैसेस भी क्या करती हैं आपके पास में, स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। अगर मान लिया कि आपने एक परफ्यूम की बॉटल ली और परफ्यूम की बॉटल को आपने स्प्रे कर दिया एक रूम के अंदर, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, परफ्यूम लिक्विड फॉर्म में था, आपने स्प्रे कर दिया, यानी कि गैसियस फॉर्म के अंदर स्प्रेड हो जाएगा पूरे के पूरे रूम के अंदर। अब देखो, उस जो परफ्यूम एक छोटी सी बॉटल के अंदर था, अब उसने पूरा का पूरा रूम एक्वायर कर लिया आपका। इसका मतलब क्या है कि मैटर की एक छोटी सी चीज और आती है कि जिस भी चीज को आप अपनी 5 सेंसेस से फील कर सको, वो भी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। ठीक है, जैसे आपके पास में एयर है, एयर भी क्या है, आपकी मैटर ही है, क्योंकि आप चलती हुई हवा को फील कर सकते हो। परफ्यूम क्या है, उसकी स्मेल आपको महसूस हो रही है, तो वो भी क्या है, मैटर है। तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करेगी तो वॉल्यूम होगी उसकी और उसका मास भी होगा। और दूसरा, अगर आपकी सेंसेस के द्वारा वो फील की जा सकती है, तो वो भी क्या कहलाती है, मैटर। जैसे एयर हो गया आपके पास में, परफ्यूम हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हो गई, सबके सब क्या होते हैं, मैटर होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात। अब जो आपके पास में स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसके अंदर हम 3 बेसिक स्टेट्स पढ़ते हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब जनरल सी बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर, तो देखो, अगर मैं बात कर रही हूं सॉलिड की, तो सॉलिड के अंदर जो आपके पास में पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर मैं यहां पर 3 डायग्राम इस तरीके से बनाऊं, मैंने 3 डायग्राम बना दिए, तो 3 डायग्राम के अंदर देखो, सॉलिड के अंदर क्या होंगे, पार्टिकल्स काफी पास पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, काफी क्लोज प्रेजेंट होते हैं। लिक्विड के अंदर जो हमारे पास में पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, वो और भी ज्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक है, यानी ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, आपके लिए सॉलिड का। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में लिक्विड का डायग्राम, एंड देन है हमारे पास में गैस का डायग्राम। ठीक है, ये मैंने दिखाया, अगर कोई सॉलिड का छोटा सा टुकड़ा है, मान लिया कि आपके पास में कोई लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, तो उसके अंदर पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। वाटर आपने लिया और उसकी एक ड्रॉप ले ली, तो उसके अंदर पार्टिकल्स इस तरीके से अरेंज दिखाई देंगे। ठीक है, देखो यहां पर क्या थे, इसी लाइन के अंदर 4 पार्टिकल्स थे, यहां थोड़े से और खुले होंगे और गैस के अंदर और ज्यादा लूज लूज पार्टिकल्स होंगे। तो मेन डिफरेंस क्या हो गया कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरिजन टू सॉलिड, और गैस के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो, जिनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस सबसे ज्यादा कम होगा, वो क्या होंगे, आपके पास में इनकंप्रेसिबल होंगे, यानी आप उनको दबा नहीं पाओगे, क्योंकि पार्टिकल्स ऑलरेडी पास पास प्रेजेंट है। तो वो क्या होते हैं, सॉलिड्स कम कंप्रेसिबल होते हैं, लिक्विड उससे थोड़े से ज्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स को थोड़ा सा पास आप लेकर आ सकते हो, और गैस के अंदर पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, तो आप उनको कंप्रेस कर काफी ज्यादा पास लेकर आ सकते हो। मतलब आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को एक छोटे से कंटेनर के अंदर भी क्या कर सकते हो, आप स्टोर कर सकते हो, कैसे करके, प्रेशर को अप्लाई कर। जब हम क्या, प्रेशर का मतलब क्या है, दबाव है। अगर आप किसी चीज को दबाओगे तो जितनी ज्यादा दब जाएगी आपके पास में, उतने ही क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे। कंप्रेसिबिलिटी समझ में आ गई।
और हम बात करें तो जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं आपके पास में, रिजिड होते हैं, क्यों, मतलब हार्ड होते हैं एक तरीके से, पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है। जो लिक्विड होते हैं और सॉलिड की वॉल्यूम क्या होती है, फिक्स होती है। लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर के अंदर डालोगे ना भाई, उसी की शेप ले लेगा। आपने लिक्विड लिया, एक ग्लास पानी था, पहले तो क्या था उस ग्लास के अंदर ही था, फिर आपने क्या करा, एक बड़ा सा कंटेनर लिया और उसके अंदर पानी डाल दिया, तो पानी की अमाउंट जरूर घट जाएगी लेकिन वो कंटेनर की शेप ले लेगा, है ना। अपने पास में क्या करा, आपने पहले एक ग्लास लिया, फिर एक बाल्टी ली, उसके अंदर उस एक ग्लास पानी को डाल दिया, तो पहले एक ग्लास पानी जो इतनी सी जगह में था अब वो फैलकर उतनी जगह में पहुंच गया, ठीक है। और गैसेस की क्या वॉल्यूम होती है, गैसेस की तो आपकी कोई फिक्स शेप ही नहीं होती, वो तो क्या होती है, बस स्प्रेड होती है आपके आसपास में, ठीक है। सो सॉलिड है फिक्स्ड शेप, लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, और गैस क्या कर लेती है आपके पास में, मतलब लिक्विड क्या कर लेगा आपका, कंटेनर की शेप ले लेगा, और गैस क्या होती है आपकी चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है, उसकी कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होती, ठीक है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड की एटलीस्ट वॉल्यूम तो हमारे पास में क्या होती है, फिक्स होती है। अब एक पॉइंट आता है डेंसिटी का। डेंसिटी का मतलब होता है आपके पास में मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी फॉर्मूले से बात करें तो एक फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर आपके पास में जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसकी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, डेंसिटी। इसीलिए ही सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, क्यों, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है भाई। और लिक्विड की क्या होती है आपके पास में, थोड़ी सी कम हो जाएगी सॉलिड से, क्यों, क्योंकि सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े से कम पार्टिकल है, ठीक है। और गैस में तो क्या है, बहुत ही कम पार्टिकल है तो उसकी डेंसिटी सबसे कम, ठीक है। तो ये थे अपने पास में सॉलिड लिक्विड एंड गैस के जनरल पॉइंट्स। अब इससे आगे ना मैंने यहाँ पे ना अच्छा एक चीज और लिख रखी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, और ठीक ऐसा ही आप रिवर्स कर सकते हो, आप गैस को लिक्विड के अंदर और लिक्विड को सॉलिड के अंदर बदल सकते हो। पर कैसे, तो देखो इन्होंने बोला कि सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब क्या है कि मान लिया दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर। मान लिया कि अगर जो मैंने पार्टिकल्स ड्रॉ करे थे, सपोज ये CO2 के मॉलिक्यूल है सारे के सारे, अगर ये CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, मान लिया कि ये भी CO2 का मॉलिक्यूल है, ये भी CO2 का मॉलिक्यूल है, ये भी CO2 का मॉलिक्यूल है, अगर ये सबके सब CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं तो इनके बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगी, तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होती है, उससे कम लिक्विड के अंदर और उससे कम गैस के अंदर, ठीक है। तो अब देखो अगर आपको क्या करना है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है और लिक्विड से गैस के अंदर, तो क्या कर सकते हो आप, एनर्जी को बढ़ाकर। अब देखो हम ये मानते हैं कि जैसे ही आप एनर्जी को बढ़ाते हो, मतलब एनर्जी का मतलब होता है जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया तो जो पार्टिकल पहले नीचे आराम से शांति से बैठे थे, अब वो क्या करेंगे, अपनी जगह पर उछलना कूदना शुरू कर देंगे। अगर उछलेंगे कूदेंगे तो एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, और सॉलिड के पार्टिकल जब दूर दूर जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लिक्विड के किसके अंदर, गैस के अंदर, ठीक है। इसलिए हम एक पॉइंट और देखते हैं कि जो सॉलिड होते हैं इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब जो एनर्जी आपकी मोशन की वजह से आती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पार्टिकल्स अपनी सॉलिड के पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर तो नहीं जा सकते, पर अपनी जगह पे या तो वाइब्रेट करेंगे या फिर ऑसिलेट करेंगे, ठीक है अपने पास में। अब देखो अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड हमारे पास में क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसके पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर के फ्लो करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी जगह छोड़ के या तो आगे चले जाएंगे या पीछे चले जाएंगे, और गैसेस के पार्टिकल्स तो और भी ज्यादा दूर दूर चले जाते हैं जब आप क्या करते हो, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, ठीक है यहां तक की बात। अब हमारे पास में मैंने लिखा हुआ है मोर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेस इन द एनर्जी, मतलब जितनी ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे तो पार्टिकल एक दूसरे से चिपके हुए होंगे बिल्कुल, मतलब जैसे एल्फी का जोड़ होता है ना, तो ऐसे मतलब पार्टिकल्स क्या जुड़े हुए हैं। तो अगर आपके पास में ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी तो क्या होगी, उसकी एनर्जी कम होगी। एनर्जी मतलब टेम्परेचर, जैसे सॉलिड के अंदर होता है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि उनके अंदर तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा है,
ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं एनर्जी के, ठीक है यहां तक। और यहां एनर्जी किसकी वजह से आएगी, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, ठीक। तो इस वाले पार्ट के अंदर हम करेंगे इतना ही, और इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं गैस लॉज। सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वहां से हमारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे और वन मार्क के क्वेश्चंस भी बनने वाले हैं और ग्राफ्स भी आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम उन वाली उस वाले कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे, ठीक है। सो बाय, वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो, ओके।